ट्रांसफॉर्मर लगे हैं वो 317 एमवीए के लगे हुए हैं पूरे सदासर डिवीजन में, और प्रसारण निगम जो 31220 है वो अपने को 190 मेगावाट लोड दे रहा है। तो जो कमी है वो प्रसारण निगम की है, उसमें है, उसमें 220 जीएसएस है, उसमें दो ट्रांसफॉर्मर, एक 25 एमवीए का, एक 100 एमवीए का आके रखे हुए हैं, वो अभी चालू नहीं हो पा रहे हैं। तो 220 जो 100 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर है उसमें वो बता रहे हैं कि उसकी दो बुशिंग खराब है। तो जो ये जो 100 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर है वो डूंगरगढ़ से चालू कंडीशन में आया हुआ है, तो यहाँ आके प्रसारण निगम में कोई उनकी टेस्टिंग होती है उसमें उसकी टेस्टिंग उस बुशिंग को फेल बता दिया है। अब ये दो महीने से उस बुशिंग को ढूंढ रहे हैं, कभी बूंदी है कभी गंगानगर है, वो तो 50 साल पुराना ट्रांसफॉर्मर है, उस साइड की उनको बुशिंग नहीं मिल पा रही है। तो अपनी मांग यही है, आपके साथ ही है, मांग ये है कि एक बार जब वो चल ही रहा था तो क्यों ना अब इसको एक बार चालू कर दो महीने में नई बुशिंग आ जाए तो वो लगा देना, जब वहां से चालू कंडीशन में था तो एक बार इसको चालू कर दो तीन दिन में वहां चल रहा था तो क्या दिक्कत है। 50 साल का कोई आदमी है, नॉर्मल काम कर रहा है, चल रहा है, जांच करवाने जाएंगे तो उसके भी कोई ना कोई शुगर की बीमारी कोई है, तो वो काम करना बंद थोड़ी कर दिया है। तो ये सब की मांग ऐसी साथ भी आ रहे हैं और अपने भी कारण मिलके ये है कि 220 का ट्रांसफॉर्मर है जो चालू कर सकते हैं, वो 3 या 4 दिन में चालू हो जाए तो अपनी सारी समस्या 90% समस्याएं खत्म हो जाएगी। मार्केट में था ऐसी साहब का प्रसारण वाला ऐसी कितनी देर में पहुंची सी बात करने में घंटे भर में ठीक है, घंटे भर में मैं आने वो फिर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत को नहीं वो भी है। अब रही बात, एक नई चीज आता और वो ढूंढा ना था कुछ कुछ कर जाने पानी पर बहुत बड़ा लगे बड़े आप तहसीलदार दिखा दो बहुत बड़ा लगे अब आगे तो आयोड़ो तो है